मस्क सीरियल गठबंधन में हो रही है रघु और धनक की रिसेप्शन पार्टी, जहां आ गया है जहरीला ट्विस्ट। असल में किसी ने रघु को दे दिया है जहर, जिसकी वजह से रघु ने अपने होश खो दिए हैं। माया रघु की इस हालत का जिम्मेदार धनक को ठहराती है, लेकिन धनक अपनी सूझबूझ से रघु की जान बचा लेती है। भाई ये देखकर तो रघु के इरादे और भी पक्के हो गए हैं और अब वो जी जान लगा देंगे धनक के दिल में अपने लिए जगह बनाने की। मैंने अपना फर्ज निभाया इनकी जान बचाकर। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे प्यार व्यार है, बिल्कुल अभी सख्त नफरत भरी हुई मेरे दिल में अभी दोनों माँ बेटों के लिए। कलर्स के कुकिंग शो किचन चैंपियन में होस्ट अर्जुन बिजलानी को मिल गया है मौका टीवी की हसीनाओं के साथ ताल से ताल मिलाने का। जरा देखिए कैसे वो कभी रश्मि देसाई और देविना बनर्जी के साथ पैर थिरकाते हैं, तो कभी दीपिका सिंह और रश्मि देसाई के साथ ठुमके लगाते हैं। वैसे इस शो में ये हसीनाएं अपनी कुकिंग का हुनर दिखाने आई हैं, जहां इन्होंने बनाए हैं अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान। और अब ये पास होंगी या फेल, इसका फैसला ये किचन चैंपियन के नन्हे जज करेंगे। पहली बार तो अपने आप को इमेजिन इस जगह पर करना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक घर में तो मैं किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाई हूँ अपने खाने से, सिर्फ रोहित को छोड़ के। वो भी शायद मुझसे प्यार करते तो शायद इसलिए हाँ यस कर देते मेरे खाने को, आई डोंट नो। एक्चुअली अभी तक रोहित ने मुझे एग्जैक्टली नहीं बताया, बट ही सेज कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ही इज़ द ओनली वन इन माई एंटायर फैमिली, सो यहाँ मुझे आके पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ जब ये बच्चे मुझे सही जज करेंगे और बताएंगे। इट्स बीन वन क्रेजी राइड, क्योंकि बहुत सारे गेम्स भी है इसमें और बहुत क्यूट सिंपल स्वीट गेम्स हैं एंड विच आर वेरी एंटरटेनिंग। जब मैं छोटा था, जब हमें कुछ ऐसे गेम्स दिखते थे टीवी पर, तो हमें बहुत हंसी आती थी और हम बहुत इन्जॉय करते थे, तो इसीलिए वो गेम्स ऐड भी किए हैं। मम्मियाँ जो बच्चों के लिए अलग अलग रेसिपीज़ बनाना चाहती हैं, जिन्हें वक्त नहीं मिलता और वो अपने बच्चों के पीछे भागती रहती है, तो फटाफट कैसे अच्छी चीज़ें बना सकती हैं, हेल्दी चीज़ें बना सकती हैं बच्चों के लिए, वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ख़ास बात इस शो की ये है कि ये जो तीनों बच्चे हैं वो जजेस हैं, तो जो भी खाना बनेगा वो इन्हें टेस्ट किया कराया जाएगा। और बच्चे मन के सच्चे, जैसे सब कहते हैं, दे आर गोइंग टू गिव देयर ऑनेस्ट ओपिनियन। और जो आज का एपिसोड जो हमने शूट किया है, यू वोंट बिलीव इतना फ़नी था, बिकॉज इन्होंने जो जो मतलब अगर इनको कुछ पसंद नहीं आया ना, ये ऐसा भी नहीं कि हाँ ठीक है, नहीं ये क्या मना है, ये क्या है, इसमें ये सब पड़ा है, मुझे नहीं पसंद है, लाइक सीधा मुंह पे। एंड सारे ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ऐसे हो जाते कि हाय थोड़ा अच्छे से तो बोल जाता। तो इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड देयर सो मच इनोसेंस दैट विल कम आउट फ्रॉम दिस शो थ्रू द किड्स, एंड दैट्स द यूएसपी ऑफ दिस शो। टीवी के सीरियल डायन में जानवी की बहन मानवी की बरसी मनाई जा रही है, जहां जानवी के पापा जानवी को फटकार लगा रहे हैं। असल में डायन के प्रकोप से बचने के लिए सालों बाद घर वालों ने मानवी की बरसी के समय शांति पूजा रखवाई है और इस मौके पर जानवी वहां से लापता है। लेकिन जब उस पूजा में मानवी की बेटी रिम्पी को लाया जाता है, तो घर के कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और रिम्पी को डायन की बेटी कहकर बुलाते हैं। जानवी के घर में पूजा रखी गई है, मानवी जो मेरी दीदी है, मानवी दीदी की बरसी है, इसके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी गई है। जब से मानवी दीदी गुजर गई है, घर पे किसी ने पूजा नहीं रखा, क्योंकि मोहल्ले वाले और आस पड़ोस के सब लोग सोचते थे कि मानवी दीदी डायन थी, और इसकी वजह से घर वाले उस डर के मारे उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा नहीं कर पाए। और फैमिली इश्यूज़ भी था, जिसके बारे में हम लोग को पूरी डिटेल्स में नहीं पता था, बट इतना जरूर पता है कि वो भाग के शादी कर लिया था एंड वो डायन से लड़ने की कोशिश कर रही थी और डायन के आक्रोश में आ गई थी, और इसके लिए वो कुछ हरकतें करती थी जिसके वजह से लोग सोचते थे कि वो डायन है। जी टीवी के सीरियल तेरी गलियां में हो गई है माननी डे की एंट्री, वो भी एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में। वो बनकर आई हैं शांतनु की लॉयर। असल में शांतनु पर लगा है अपने ही पापा के मर्डर का इल्जाम, और इसी सिलसिले में वानी आज शांतनु के घर पर है। मैं एक क्रिमिनल लॉयर का किरदार प्ले कर रही हूँ। मुझे लीगल प्रोफेशन पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत एक्साइटिंग रोल है, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे जंक्चर पर आई है कहानी में जहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, तो एक तरह से कैटलिस्ट है जो अब यहाँ से जो भी प्रोग्रेशन होगी या नैरेटिव में उसको आगे ले जाने के लिए। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट।